ए मानस जा मैनू सोनिया लानी कौन लेखे ए मानस जा मैनू सोनिया लानी कौन लेखे ना संगत च तू आंदावे ना अंदर जाती पौंदावे ना संगत च तू आंदावे ना अंदर जाती पौंदावे जे अपना मन समझावे वे तू लाहा कट के जावे जे अपना मन समझावे वे तू लाहा कट के जावे छड़ दे अड़िया मन समझा ले दिल चों कड भुलेखे ए मानस जा मैनू सोनिया लावी तू हुण लेखे ए मानस जा मैनू सोनिया लावी तू हुण लेखे तू याद प्रभु नू कयावे ना विच गर्व दे सड़ियावे तू याद प्रभु नू करयावे ना विच गर्व दे सड़ियावे मालक ने आन बचायावे तू बाहर आन बुलाया मालक ने आन बचाया वे तू बाहर आन बुलाया कर ले बंदगी बचना जे तू जिंदगी लानी लेखे ए मानस जा मैनू सोनिया लानी तू हुण लेखे ए मानस जा मैनू सोनिया लानी तू हुण लेखे गुर पूरा लभी अपना वे जूना तो जे कर बचना वे गुर पूरा लभी अपना वे जूना तो जे कर बचना वे विषया विच काल फसावे वे कोई विरला बच के जावे विषया विच काल फसावे वे कोई विरला बच के जावे बिना गुरु तो रूजे मिल जाए गिन गिन लेंदा लेखे ए मानस जा मैनू सोनिया लावी तू हुण लेखे ए मानस जा मैनू सोनिया लावी तू हुण लेखे जो हिरदा साफ बनाए वे ओते ही मालक आए वे जो हिरदा साफ बनाए वे ओते ही मालक आए वे बोले अजैब नकारा वे मिलिया कृपाल प्यारा बोले अजैब नकारा वे मिलिया कृपाल प्यारा ए गल्ला दा मजबून नहीं कोई भी करके वेखे ए मानस जा मैनू सोनिया लावी तू हुण लेखे ए मानस जा मैनू सोनिया लावी तू हुण लेखे हां भाई मैं उस परमात्मा कृपाल दा धन्नवादी हां जिहड़ा आपदा शांति दा देश छड के सुख दा देश छड के सतलोक छड के सचखंड छड के तपदियां आत्मा दी खातर क्योंकि आत्मा उसे दी अंश हुंदी है परमात्मा दी इस संसार विच आया इस संसार परेशानियां दा घर है दुखां दी नगरी है मौत और पैदाइश दा घर है इत्थे आके उस महान गुरु ने एक सुधारन जिंदगी जी साडे विच रह के बड़े प्यार नाल आपदे घर दा पता दिता कि तुसीं पराए देश विचों हो फसे हुए हो इत्थे कोई सौखा नहीं आओ मैं थानू अपने घर लै चलां 25 साल उस महान गुरु ने मौका दिता
जिदे पाग सन उच्चे पाग सन उन्होंने उन्हों का संदेश कबूल किया। वो अज भी शांति मान रहे हैं उन्हों की दया नाल, और जिहड़े संसार नूं छड के अंदर गए है उन्हों की उसने संभाल की है। अज भी वो आत्मा के स्वागत वास्ते सदा तैयार रहिंदा है, क्योंकि सानू कदम कदम के उत्ते गुरु की जरूरत पैंदी है, गुरु की लोड़ पैंदी है। जिन्हें किसी मुल्क के अंदर बंदे अच्छे होंगे, किसी कौम अंदर बंदे अच्छे होंगे, उन्ना ही उस मुल्क का नाम उच्चा होएगा, उस कौम का नाम उच्चा होएगा, उन्नी वो ज़्यादा तरक्की करेंगे। इतिहास दसदा है जेड़े मुल्क अज अमीर हैं किसी वक्त गरीब होंगे सन, जेड़े अज गरीब मुल्क है किसी वक्त वो अमीर होंगे सन। कोई वक्त सी हिंदुस्तान नूं रिखियां मुनियां दा देश कहिंदे सन, क्योंकि ज़्यादातर आत्मा नूं जन्म हिंदुस्तान च दिता जांदा सीगा। उत्थे रिखी मुनि नाम की कमाई करदे सन, आत्मा ममूली साधन नाल परमात्मा की तरफ लग जांदियां सन। उत्थे लोग मीट शराब तो परहेज करते सन, क्योंकि बचपने तो ही उन्होंने अच्छी शिक्षा मिलती सी, बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क सी। लेकिन जब वो यासी आई ताए चाचे दे लड़के जो उतों का शासन चलाते सन, कैरों और पांडो, उन्होंने अंदर झगड़ा खड़ा होया, इतों तक कि हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, विदेशी हमले हुए, उस उन्हें दी चिड़ी दे सारे थोड़े बहुत खम पट के लै आए है। सो प्यारियो, अज वो रिखियां मुनिया की सिक्ख्या घट गई है, लोग मीट शराब की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैं खुशी है कि बाहर हुण लोग वैजीटेरियन जीवन नूं समझण लगे है, नाम नूं समझण लगे है, गुरु जीवित महापुरुष की जरूरत नूं समझण लगे है। छोटे हुंदे सुनते हुंदे सी कि पछम दे देश स्वर्ग भोग रहे है, उत्थे स्वर्ग है, दिल च ख्याल हुंदा के पता नहीं स्वर्ग कैसे है। जब मैं बाहर आया मैनू अमीर नू मिलना भी मौका मिलिया, गरीब नू भी, औरत नू भी, मर्द नू भी, छोटे बच्चों नू मिलना भी मौका मिलिया है। मैं नू इन्हां स्वर्गों दे विच कोई सौखा नज़र नहीं आया, कोई शांत नज़र नहीं आया। मौत पैदाइश मैं इत्थे भी देखी, परेशानियां इत्थे भी देखियां, इत्थे भी लोग गरीबी ना घोल करते हैं, अमीरी ना करते हैं। प्यारे हो, कोई औरत इत्थों दुखी है, कोई औरत पति इत्थों दुखी है, छोटे छोटे बच्चे तड़फते फिरते हैं, वो मैनू आके पुछते हैं कि मेरा पिता मैनू मिल पेगा। जे पुछया क्यों बई, कि तेरा पिता गुजर गया है या छड गया है, वो कहिंदा मैनू पता नहीं गा कि मेरा पिता कौन सी। हुण तुसीं ठंडे दिल नाल सोच के देख लो, जब बच्चे नूं बचपने तो ही इन्नी परेशानी लगी है, जब बड़ा होएगा कि वो मुल्क की खातर सोचेगा, कि नाम की खातर सोचेगा, कि कौम की खातर सोचेगा। जिस बच्चे नूं जीवन काल विच ही ये कुछ लग्या होया है, शांति नाम विच है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बच्चा है, चाहे बुढ़ा है, जो नाम ना जुड़ गया, चाहे वो किसी भी मुल्क रहिंदा है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, वो शांत है जो नाम दे नाल जुड़ गया, अंदर चलिया गया। कबीर साहब ने कहा जिदे पल्ले नाम नहीं वो निरतन है, उन्होंने ये कहा कि वो शहनशाह है जिदे पल्ले नाम की पूंजी है। क्योंकि संसार विच्चों अगर कोई साढ़े साथ जाण वाली पूंजी है वो नाम है, नाम वो ताकत ताकत है जो कण कण दे विच व्यापक है, जो सब दुनिया नू लै करती है, पालदी है, संभाल करती है। वो नाम शब्द ही दे तार के संसार विच आउंदा है, साढ़े विचकार रहिंदा है। सानू पता ही है कि जब बच्चे की पैदाइश हुंदी है टीचर का काम माता पिता करते हैं,
जब बड़ा हो जाता स्कूलों कॉलेजों जाता है उत्थे भी टीचर की लोड़ पैंदी है। संसार का कोई भी काम आप सीखिए ओह जे टीचर की लोड़ पैंदी है। इस तरह रूहानियत के अंदर असी बिल्कुल अनजाण हैं बेसमझ हैं, ये भी सानू अच्छे टीचर की जरूरत पैंदी है। संसार के अंदर सानू पता है असल की नकल भी हुंदी आउंदी है। अज हर आदमी ये अखबारों के अंदर टैलीविजन के अंदर एडवरटाइजमेंट कर रहा है कि मैं पूरा हैं, मेरे पास आओ, मैं थानू नाम ना जोड़ू, प्रभु ना जोड़ू। लेकिन यह सच्चाई है, कबीर साहब कहते हैं जेड़ा कहता है मैं जानता हैं वह अनजाण है, अनजाण है। जेड़ा जानन वाला है वह गुझा नहीं रहिंदा, भावें वह धरती के अंदर ही बैठा क्यों ना हो, फिर भी संसार विच नाम उन्हूं रोशन कर दिंदा है। मैं वैदक करता हुंदा सीगा, कई साल वैदक कीती, अच्छी कीती परमात्मा की दया ना। मैं कदे इश्तिहार नहीं कढ़े सी, किसी आदमी ने मैनू कहा कि तुसी इश्तिहार कढ़ो, कोई बंदे पिंडां च भेजने चाहिए है, अखबार च कोई थानू इश्तिहार देना चाहिए है। मैं उस मरीज़ नू कहा प्यार दे नाल, देख भी प्यारिया मेरा इश्तिहार तू ही है, जो तेनू फायदा होया तू अनेकां नू जाके दसेंगा। मैं अपने गुरु की दया ना पाँच पाँच छे छे सौ हज़ार हज़ार आदमी तक रोज़ की दवाई दिती है, और ये नहीं सी कि किसी आदमी ने फायदा नहीं होया। बेशक मैं आपके हाथ ना सुआह की चुटकी भी दे दी, लेकिन उसका जरूर फायदा होया। ये सारा कुछ छड़ा के आपके गुरु की दया ना जो उन्होंने मैनू कम दिता, मैं वो भजन व्यास आपकी जिंदगी किया। जब मेरा सतगुरु कुल मालक इस संसार चो आपके धाम गया, उस मगरों कई प्रकार के लोग उठे, पार्टियां बनिया, जिन्हों के पास बने बनाए प्रेस सन, बनिया बनाइया अच्छे पढ़े लिखे आदमी सन, जिन्होंने हर प्रकार का प्रचार किया कि असी सच्चे हैं, साढ़े पास आओ। एक पासे वो शख्स सीगा कि जिन्हें जमीन के अंदर बैठ के अपना अभ्यास किया, सच्चाई ये है कि रसल परकिंस थोड़े इतने सत्संग के अंदर ही है, पूछ सकते हो कि बाहरों जिंदा ला के अंदर बैठा होया सीगा। लेकिन जे तुसी भजन किया है वो संसार च प्रगट हो जाता है। उही ताकत जो कण कण दे विच व्यापक है, उदों वड्डा इश्तिहार, उदों वड्डा टैलीविजन किहड़ा हो सकता है। तुहाडे अंदर अगर नाम की खुशबू है वह दुनिया के जाके नकां नूं चढ़ेगी, वह खुशबू के खिचे हुए ही तुहाडे पास आउणगे, भावें सत समुंदरों पार है। मैं रसल परकिंस दे नाल दो तीन वादे करे सन, एक तो ये कि मैनू कोई महाराज ना कहे, महाराज कृपाल ही सीगा, कोई इस लफ्ज़ के काबिल सीगा। एक किसी की निंदा नहीं करनी, और अखबारों के अंदर किसी प्रकार की कोई एडवरटाइजमेंट नहीं देनी गी। मैं थानू कोई पढ़िया गल्लां नहीं दस रहा, किसी तो सुनिया नहीं दस रहा, मैं अपना तजर्बा ही संसार विच दसदा हाँ। मेरा यह होका है कि भगवान रंग रलियां माणदे नूं किसी नूं नहीं मिलता गा, जिसनों मिलता है कमाई नाल ही मिलता है, गुरु की दया नाल ही मिलता है। प्यारो जिसने मिसरी खाधी है वह मिसरी का स्वाद दसदा है, जिसने भजन किया उ करा सकता है, पहलवान पहलवानी सिखा सकता है, जिसने मिसरी खाधी नहीं वह मिसरी का की स्वाद दस सकता है। गुरु नानक ने कहा गली किने ना पाया, कबीर साहब कहते हैं हस के किसी ने परमात्मा नु नहीं पाया, जिन्हें रातां जागियां मेहनतां कीतियां उही परमात्मा नु पा सकता है। छोटा जिहा शब्द गुरु रामदास जी महाराज दा तुहाडे अगे रखिया जांदा है। रामदास जी महाराज वो संत सन जिन्हां ने गुरु दा कहा मन्निया, गुरु दी अटुट सेवा कीती, बड़े विश्वास पात्र सन, संत मत दे अंदर अमली तौर ते कामयाब होए। जो कुछ अंदर जाके प्राप्त होया, जो कुछ गुरुआं तो मिलिया, जां जो कुछ अपने गुरुदेव नूं समझदे सन, उह इह शब्द दे अंदर दर्ज है, गौर नाल सुनो। कल्याण महला चौथा पन्ना 1324।
राम गुर पारस परस करी जय, राम गुर पारस परस करी जय। हम निर्गुणी मनूर अत ठीके, मिल सतगुर पारस की जय। कबीर साहब ने कहा पारस और संत दे अंदर बड़ा फर्क हुंदा है। पारस एक वट्टी हुंदी है, बजुर्गों तो सुनते हैं कि वो लोहे नू लग जावे सोना बना दी है, लेकिन वो पारस नहीं बना सकती जी। संत वो पारस हुंदे है जिस चीज़ के अंदर अपना नाम रख देंदे है उन्हों संती बना लेंदे है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे संतां दे अंदर दिखावे दी निम्रता नहीं हुंदी, सच्ची निम्रता हुंदी है, सच्ची आजगी हुंदी है। तुसी देख सकदे हो जो महात्मा परमात्मा रूप हो जावे, जिसका दरगाह दे अंदर परमात्मा ने स्वागत कीता होवे, उत्थे उहदा हुक्म चलदा होवे, ओ आपदे गुरु दे अगे अपने आप नूं की पेश करदा है कि मैं लोहे दी मैल जैसा है, मैं अच्छा लोहा भी नहीं, मैं दुनिया की तरह चंगा बोल भी नहीं सकता गा, मेरे बोल भी फिके है। लेकिन ये सब कुछ वड्याई की दी सी गुरु अमरदेव जी महाराज दी होई, जिन्हें दया करके मैनू अच्छा बनाया, आपदे घर विच मेरा स्वागत किया। सूफी संत बुल्ले शाह जद अंदर गया गुरु परमात्मा एक देखे, फिर कहण लग्या जे कोई बाहरों अच्छा देखता है गल विच कपड़े लीरां ही पाईआं होईआं हन, लेकिन जे अंदर जाके देख लवे वह बेहस्त दे विच भी थुकदा नहीं गा कि बेहस्त दे विच भी भोग है, गुरु जो कुछ है सो है। हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सतगुर पारस की जैन। सुरग मुकत बैकुंठ सब बांछ है, नित्य आसायास करी जैन। हर दर्शन की जन मुकत नमंग है, मिल दर्शन त्रिपत मनंती जै। गुरु रामदास महाराज पहले तो संसारक लोगों की हालत दसते हैं, असी आम लोग स्वर्गों की आसा रख के दान करते हैं या चंगे बनते हैं, नरकों की अग तो डरते एकता करते हैं, लेकिन जो मालिक दे प्यारे भगत है नाम लेवा है वो ना नरक तो डरते है ना स्वर्ग तो डरते है। उन्होंने दिल अंदर सतगुरु के दर्शनों की तांग हुंदी है, आशा हुंदी है कि गुरु कद मैनू अंदर मिले। हरे दर्शन के जन मुक्त नमंग है, मिले दर्शन त्रिपत मनंती जैन। माया मोह सबल है पारी, मोह कालक दाग लगी जैन। मेरे ठाकुर की जन अलिपत है मुक्ति, जो मुर्गाई पंख न पी जैन। आप कहने लगे मन माया का पसारा जिन्ना ज्यादा होएगा उतना ही असी ज्यादा परेशान होंगे हैं, इन्हों के मोह च बच जाने हैं, पहला प्राप्त करन दे विच कष्ट होने हैं, कीमती असूल कुरबान कर देने हैं, फिर ये जाते रहने डर लगता है। महाराज सावन सिंह कहते होंगे सी जो मक्खी शहद के किनारे ते बैठ जाती है वो शहद भी खा जाती है, उड़ भी जाती है, जो बीच में आके बैठ जाती है वो ना शहद खा सकती है ना उड़ सकती है, लत्तां कटदी पर फस जाते हैं, पर कटदी लत्तां फस जांदियां हन। संत महात्मा इस संसार दे विच आउंदे तां जरूर है,
वो रेंदे भी है लेकिन वो मुरगावी की तरह संसार विच रेंदे है, दुनिया च रेंदे हुए दुनिया की मैल विच वो नहीं लिबड़दे गे। इह जिही जीवन वो अपने सेवकां नूं बतीत करना दसदे है। मेरे ठाकुर की जाने अलिपत है मुक्ति, यो मुर्गाई पंक न भीजे, चंदन वास पुयंगम वेड़ी केव मिली है चंदन लीजे, काड़ खड़ग गुरु ज्ञान करारा बिख छेद छेद रस पीजे। गुरु रामदास जी मिसाल दे के दसते हैं जिस तरह चंदन की लकड़ी वो ठंडी होंगी है, सप्पा नूं जहर की बड़ी गर्मी होंगी है, वो अपनी तपश बजाउण दे मारे उस दे उदाले जाके लवेटे पा लेंदे है। अगर असी चंदन लेना है की करांगे, सब तो पहला कोई तेज हथियार लेके उन्हां सप्पा नूं कटांगे तां ही असी चंदन प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो जहरीले सप्प है चंदन लैन नहीं देंगे, साड़ी जान नूं खत्म कर देंगे। इस तरह साड़ी आत्मा है ये उपर कि सप्पा के वलेटे पाए है, काम है क्रोध है लोभ मोह हंकार है, ये थोड़े कीत्या साड़ी आत्मा आजाद नहीं कर देंगे। अगर असी अपनी आत्मा इस तो आजाद करना है, परमात्मा नाल मिलाउणा है, तो सानू गुरु के शब्द की नाम की बड़ी जरूरत पैंदी है, वो तेज हथियार का कम करता है। जब असी नाम की कमाई करते हैं ये जिहड़े पंजे सप हैं डाकू हैं इन्हां नूं असी एक एक करके बाहर कढ दिंदे हैं और अपनी आत्मा नूं इहदे पंजे तों आजाद कर लैंदे हैं। काड़ खड़ग गुर ज्ञान करारा दिख छेद छेद रस पीजे, आन आन समधा बहुकीनी पल बैसंतर पसम करी जैन, महा उग्र पाप साकत नरकीने मिल साधु लूकी दी जैन। गुरु रामदास जी एक होर मिसाल दे के समझाते हैं कि जिस तरह लकड़ियां दा बहुत सारा ढेर हो गए, एक चिंगाड़ी अग दी काफी है राख कर दिंदी है, इस तरह महात्मा की जो हस्ती है ये पापियां भी तारदी है पुनिया भी तारदी है। इस वास्ते आप कहिंदे भावें साढ़े किन्ने भैड़े खोटे पाप होण जिस दे अंदर संत सानू वो नाम का पलीता दिंदे है जिहड़े सारे पापां नूं पसम कर दिंदी है। महात्मा सानू ये कहिंदे है कि पिछे जो कुछ हो गया से हो गया, अगे वास्ते तौबा कर जाओ, नाम की कमाई करो। महाउग्र पाप साकत नरकीने मिल साधु लुकी दी जैन, साधु साधन साध जननी के जिने अंतर नाम तरी जैन, पारसन पारस भय साधु जन जन हर भगवान दखी जय। आप प्यार ना कहंदे है असि साधु किनू कहने हैं जिन्हें कोई कारोबार छड़ दिता है, पुत्र तियां छड़ के जंगला पहाड़ा च फिरदा है, वो साधु नहीं। कहंदे जिहदे अंदर भगवान ने नाम प्रगट कर दिता है, नाम रूप भगवान दी दया नाल हो गया है, कहन लगे वो साधु है। ऐसे साधु ना असी किसी प्रकार का कोई उत्तर प्रश्न करते हैं वो भगवान ने कर रहे हैं। अगर असी उहदे नाल कोई अंग भी लाने हैं भगवान ने ही ला रहे हैं, उहदा दर्शन कर रहे हैं, एक भगवान का ही कर रहे हैं, साधु रूप अपना तन तारिया। पारसन पारसन पाए साधु जन जन हर भगवान देखी जैन, साक
ਤਖਤ ਸੂਤ ਬਹੁ ਗੁਰ ਜੀ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤਾਨ ਤਨੀ ਜੈਨ ਸੰਤ ਸੂਤ ਕਿਛ ਨਿਕਸੈ ਨਾਈ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀ ਜੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਇਆਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਝੇ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀਰਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋ ਲੱਖ ਕੋਸਨ ਕੀ ਬਿਥ ਦੀਜੈ। ਸੰਤ ਸੂਤ ਕਿਛ ਨਿਕਸੈ ਨਾਈ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧਨ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੀਕੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਰਵੀ ਜੈ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਣਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲੀਜੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਣਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਲੀਜੈ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲੈ ਮਲੀ ਜੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀ ਜੈ। ਆਪ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਰਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਏ? ਆਪ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।